कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो माति संगोस्तवि कर्मणि। प्रिय दर्शकों नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं, अक्ल इसे माने या ना माने। ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। आप लोग चाहती हैं कि मैं उस लड़की का केस लड़ूं। उसने किसी और का नहीं, अपने सगे बाप का खून किया है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा और मेरा सामना होने, राइट? मैडम, आपने प्रमोद साहब का मर्डर किया है। तुम संध्या हो? तुम वही हो जिसने मेरे पति का खून किया? जेलर साहब, देखिए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप बस मुझे यहाँ से रिहा कर दीजिए, मुझे मौका दीजिए कि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूँ। विश्वास कीजिए मेरा, मैंने कत्ल नहीं किया है, मैंने अपने प्रमोद को नहीं मारा है। प्लीज हेल्प मी। देखिए मिसेज देसाई, मेरा दिल अब भी ये यकीन नहीं कर रहा है कि आप अपने पति के कत्ल के जुर्म में यहाँ कैद हैं। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, मैंने प्रमोद को नहीं मारा है, मैंने अपने पति को नहीं मारा है मैंने उसे। रिलैक्स। कैसे मैं रिलैक्स करूं? मेरी दुनिया तबाह हो गई है, मेरे पति का खून हुआ, उसका इल्जाम मेरे सर पर है। कंट्रोल योरसेल्फ मिसेस देसाई, कंट्रोल योरसेल्फ। मैं कुछ और बात करने आया हूं। आई एम सॉरी। देखिए, मुझे जो आपके खिलाफ रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मेरा एक दोस्त है साइकेट्रिस्ट, जिसे मैंने यहां बुलाया, उससे सलाह करके मुझे मजबूरन आपको मेंटल असाइलम भेजना पड़ रहा है। क्या कहा आपने? आप मुझे असाइलम भेजेंगे? पागल समझ रहे हैं आपने मुझे? छोड़िए। पागल समझते हैं आप मुझे? कंट्रोल यॉरसेल्फ। क्रिमिनल लॉयर हूं मैं, अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूं मैं। गाड़ी चलाते हैं, कितनी जख्मी हो गई हो तुम। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। जेल साहब, ये तस्वीर किसकी है? क्यों बताइए नहीं, ये फोटो किसकी है? ये मेरी बेटी संध्या की है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आपकी बेटी की है?
जेलर साहब, ये वही लड़की है जो उस दिन मुझे रास्ते पे मिली थी। ये हो ही नहीं सकता, this is impossible। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? मैं सच कह रही हूँ, ये लड़की वही है। मिसेस देसाई, ये मेरी बेटी है जो 2 साल पहले मर चुकी है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसी ने मेरे प्रमोद का खून किया है, इसी ने खून किया है, खून ही है ये। और मैंने अपनी आंखों से उसे 20वें माले से कूदते हुए आत्महत्या देखा है। बस, बहुत हो गया मिसेस देसाई, मुझे अब आपके बारे में अपना ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा। जेलर साहब, मेरी बात सुनिए, मैं बेगुनाह हूँ। जेलर साहब मेरी बात सुनिए। जेलर साहब, मैंने खून नहीं किया। मैंने अपने प्रमोद को नहीं मारा मैंने उसे। वकील साहिबा, अब क्यों रो रही हैं आप? आपने तो मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था ना। लेकिन इसके बावजूद आपने बड़ी अजीब ढंग से मेरी मदद भी की। क्यों? आपने तो उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही मार डाला। कौन? कौन है वहां? मैं, शोभा। शोभा, इतनी जल्दी भूल गई आप? शोभा, तुम अच्छा किया जो आपने उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मार डाला, वरना वो तो मुझे सजा दिलवाकर ही दम लेता। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे पति थे। क्या? मेरे पति थे वो। कितनी बार कहूं, मैंने अपने पति को नहीं मारा। सुन रही हो? मैंने अपने पति को नहीं मारा। ऐसा मैं भी पहले कहती थी कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा, लेकिन किसी ने नहीं माना, आपने भी नहीं। अब तो हम दोनों की कहानी एक ही है। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। एडवोकेट रंजना देसाई, ये जेल है। यहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। इससे बाहर निकल के दिखाओ तो जानू। कमॉन पापा, फास्ट पापा, आप कर सकते हो पापा, यू कैन डू इट पापा। अरे बेटा, तुमने तो मुझे दौड़ा दौड़ा के थका दिया। पापा, आप इतने समय ही थक गए? अभी तो आपको और तेज दौड़ना है पापा। ये जो इतना बड़ा पेट कर रखा है, इसे कौन कम करेगा? कमॉन पापा, प्लीज, मेरा अच्छे पापा। हेलो। यस सर, मैंने ही आपको फोन किया था सर। वो एडवोकेट रंजना देसाई के बारे में आपसे बात करनी थी सर। उसे अब हमारे लिए जेल में रखना इतना खतरनाक हो गया है कि पता नहीं कब किसी कैदी पर या वार्डन पर हमला कर दे। जी हाँ, मेरे विचार में तो उसे खेतवाड़ी मेंटल साले में भेज देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। Come on.
हाँ मैं, और मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरे पापा तुम्हें मेंटल असाइलम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। संध्या मुझे एक बात बताओगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों तुमने मुझे इस तरह बर्बाद कर दिया? हम तो पहले आपस में कभी मिले भी नहीं थे, फिर भी तुमने मेरे पति को मार डाला, मुझे विधवा बनाया। मेरे पति का कत्ल, उसका इल्जाम मेरे ही सर पर डाल दिया। क्यों किया तुमने ये मेरे साथ? मैंने ये सब करने के लिए तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि सिर्फ तुम ही मुझे इंसाफ दिला सकती थी। कैसे? मैं कैसे तुम्हें इंसाफ दिला सकती हूँ? और ऐसा क्या जुल्म हुआ था तुम पर? जुल्म? उसी जुल्म की वजह से मुझे मेरे पापा की आंखों के सामने एक बिल्डिंग के 20वें माले से कूदकर खुदकुशी करनी पड़ी, क्योंकि ये बात मैं किसी को बता नहीं सकती थी, और ये बोझ अपनी आत्मा पर लेकर जिंदा रहना मुझे मंजूर नहीं था। लेकिन एक बात बता, इस सबसे मेरे पति का क्या वास्ता? वही बताने जा रही हूं। वो 15 नवंबर की शाम थी, 15 नवंबर मेरा बर्थडे था। मेरे पापा किसी जरूरी काम के सिलसिले में इंदौर गए थे। उन्होंने कहा था कि वो मेरा बर्थडे अगले हफ्ते यानी 23 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मेरी सबसे प्यारी सहेली इंदु मुझे अपने घर ऊना ले जा रही है। पुल टूटा हुआ है? ओह नो। हाँ, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। अरे ये क्या हुआ? रुक, नीचे उतर के देखती हूँ। ओह, ओह माय गॉड, टायर पंचर हो गया। अब क्या करें, मेरे पास तो जैक भी नहीं है। ओह गॉड, चल एक काम करते हैं, आसपास में गैराज है तो देखते हैं। ओके। वहां पर कोई कॉटेज दिख रहा है। अरे हाँ, शायद वहां कोई होगा। चल ट्राई करते हैं। चल। यहां पर गाड़ी है, मतलब शायद कॉटेज में कोई है। हाँ, हो सकता है शायद वहां हमें जैक भी मिल जाए। चल देखते हैं। चल। हाँ,
कौन है आप? हम पूना जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई। हमें जैक चाहिए, क्या हमें जैक मिल सकता है? जैक तो हमारे साहब की गाड़ी में है और वो ही आपको दे सकते हैं। आप जाकर उनसे मांग लीजिए, वो आपको दे देंगे। हाँ हाँ, घबराइए मत, जाकर मांग लीजिए। हमारे साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो आपको दे देंगे। जाइए, बहुत अच्छे आदमी है, जाइए जाइए। हाँ हाँ, जाकर मांग लीजिए, जाइए। रंजना जी, जिस वक्त वो दरवाजा बंद हुआ, हमें पता नहीं था कि जिंदगी ने ही अपने दरवाजे बंद कर दिए। दो आदमियों ने वहां पर जाल बिछा रखा था, जिसका शिकार मुझ जैसी लड़कियां ही होती थी। रंजना जी, आप जानती हैं उस कॉटेज में क्या था? क्या? वो कॉटेज एक ब्लू फिल्म का स्टूडियो था। जानती है वो स्टूडियो कौन चलाता था? कौन? सर, क्या प्लान बनाया था सर? अब तो चिड़िया अपने कब्जे में। थैंक्स फॉर द ड्रिंक। अब रोने से क्या फायदा, जो होना था वो हो चुका और जो हो चुका है वो सब इस कैसेट में। अब तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम दोनों अपनी ज़बान बंद। अगर किसी ने भी कुछ कहने की कोशिश की तो ये कैसेट सिर्फ हम नहीं, सारी दुनिया देगी। अब तुम्हारी इज्जत मेरे हाथों में। और आपका वो देवता पति जिसके आप आरती उतारती थी, उसने आपके असिस्टेंट दिनेश कुलकर्णी की मदद से मेरी और मेरी सहेली इंदु की इज्जत लूट ली। बस करो संध्या, आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है। कैसे नहीं सुनना? अभी तो मैंने आपको यह बताया ही नहीं कि आपका वो शरीफ पति
अपनी गंदी और अश्लील हरकतों की एक फिल्म बनाता था। वह फिल्म का डर दिखाकर उन लड़कियों को छोड़ देता था। उस दिन मेरे बलात्कार के बाद अपनी आत्मा पर वह बोझ लेकर मैं अपने घर गई। मैं बहुत अपसेट थी और उधर पापा ये सोच रहे थे कि शायद उनकी वजह से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया। क्या हो गया बेटा? I'm so sorry बेटा। अब मैं क्या करूं? मैं दो दिन के लिए गया था, मुझे एक हफ्ता लग गया, काम ही कुछ ऐसा था। I'm so sorry बेटा, I'm so sorry। पापा ने बहुत बहलाने की कोशिश की, लेकिन रंजना जी आप ही बताइए, मैं सच्चाई को कैसे छुपाती, कैसे चुप रहती। लेकिन फिर मैंने एक फैसला ले लिया। संध्या, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरे प्रमोद को तो तुमने उसके किए की सजा दे दी, ज्ञानचंद को भी शोभा के हाथों मार दिया। वो उन कमीनों में सबसे ज्यादा एक्टिव था, और उसे मारने से पहले मैंने उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहा कि जिन लड़कियों का वो बलात्कार करता था वो सब उसकी बेटियों की तरह थी, और आपका वो पति, उसको तो मैंने आपकी आंखों के सामने आप ही का रूप धारण करके मारा। हाँ, लेकिन जब वो मर रहा था उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि आपको उसकी घिनौनी और गंदी हरकतों का पता चल चुका है। एक बात बताओ संध्या, ये सब साबित कैसे हो पाएगा? अभी भी तुमने बताया कि तुम्हारे पिताजी मुझे पागल खाने भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और ये सिर्फ तुम जानती हो कि मैं पागल नहीं हूं। लेकिन क्या तुम दुनिया के सामने आके ये साबित कर सकोगी कि इन सब वारदात के पीछे कौन है? ये हुआ कैसे? नहीं, मैं लोगों को नहीं बताऊंगी, आप दुनिया को ये सच्चाई बताएंगे। मैं कैसे बता पाऊंगी? अगर उन लोगों ने मुझे पागल खाने भेज दिया तो वहां से निकल पाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं आपको बाहर निकालूंगी, वो भी आज की रात, और आज ही की रात आपके पास वो सारे सबूत होंगे, क्योंकि जब तक मैं इस दुनिया को सच्चाई नहीं बताऊंगी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलना संभव नहीं है। और वैसे भी उन शैतानों के दल का एक मेंबर अभी तक जिंदा है। इससे पहले कि मैं आपको इस जगह से बाहर निकालूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मर गई। तुम लोगों ने उसे मार डाला। मुझे भी क्यों नहीं मार डालते हो तुम लोग? अरे अभी तो मुझे तेरी जरूरत है। करके मार रहे हो। चल। नहीं। चल। नहीं। नहीं। रंजना जी, जल्दी उठिए, पागल खाने के डॉक्टर के साथ जेलर यहीं आ रहे हैं। जल्दी बाहर आइए।
आइए डॉक्टर। अरे आ गई है। आए वरुण जल्दी आओ, क्या मर गए तुम सब लोग? क्या जाएंगे तुम लोग? क्या लूटी करती हो? सोती करती हो हमारे चार तुम लोग? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कौन है ये लोग? हाँ क्या हुआ? हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हम यहाँ मदद मांगने के लिए आए थे। इन लोगों ने हमें कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी और हम बेहोश हो गए। और फिर उस वीडियो कैमरे से इन लोगों ने हमारी नंगी तस्वीरें निकाली, सब रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें। Thank you.
मैडम आप खूनी बदमाश वैसी दरिंदे। सच कहा आपने, वैसे आपने यहाँ के बहुत गलती की। आज तक मैंने अपने हाथों से किसी को नहीं मारा। तुमने तो उससे भी गिरवी हरकत की है। मासूम लड़कियों को खुदकुशी करने पे मजबूर किया है तुमने। सच कहा आपने, पर मैं अब आपको भी नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई बताकर न जाने मुझ जैसी कितनी बेबस लड़कियों की इज्जत और जिंदगी बचा सकता था। पापा मैंने ही कुलकर्णी और प्रमोद देसाई को उनकी किए की सजा दी। पापा मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि शोभा और रंजना जी बेकसूर। अब मेरा काम पूरा हुआ पापा, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मैं जा रही हूं पापा।